लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी आज मॉर्निंग जो पेपर हुआ है 9:30-12:30 इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का, तो ये डिजिटल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है. अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो ये जो लास्ट ईयर 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था तकरीबन उसी से मिलता जुलता है. तो मैं आपको बताऊंगा 18 में और 19 में क्या चेंज है. तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है. सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन इसको मैं रीड करता हूँ. वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग बिट दैट इज एक्स इज इक्वल टू -1 एंड +1 आर 0.2 एंड 0.8. तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन है जो -1 और 1 बिट हमने ट्रांसमिट किया ना उनकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, ठीक है. उसके बाद वो कह रहा है द इनपुट टू थ्रेशोल्ड डिटेक्टर इज कैपिटल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एन वेयर एन इज ए नॉइस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन -2 to +2 इफ वाई कैप इज द आउटपुट ऑफ द ऑप्टिमम रिसीवर. ये रेंज हमें गिवन है वाई कैप, ये आउटपुट है बेसिकली में जो वाई कैप है ना ये आउटपुट है. तो वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू -1 होगी कब, वेन वाई इज लेस देन इक्वल टू थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी +1 वेन वाई इज ग्रेटर देन थीटा सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज मिनिमम, द मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज. तो कहने का मतलब है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालनी है. तो आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ जीरो प्लस में क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इंटू में क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ वन हमारे पास होता है. तो पिछले बहुत सारे सालों से डिजिटल कम्युनिकेशन से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास इसी फॉर्मूले से जो है वो सोल्व हो जाएंगे. तो एक काम करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करता हूँ ताकि आपके जितने भी फंडे हैं या फिर जो नए स्टूडेंट भी देख रहे हैं उनको भी ये टॉपिक जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए. देखो वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट, पहली लाइन पढ़ते हैं, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग बिट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -1 एंड +1 आर 0.2 एंड 0.8. तो देखो दो बिट हैं, तो पहले प्रीवियस केसेस में हम क्या करते थे दो बिट लेते थे, एक हमारे पास जीरो होती थी एक हमारे पास क्या होती थी वन होती थी. तो उसने जीरो को किससे रिप्रेजेंट किया है -1 के साथ. लेकिन अगर आपको समझाने के लिए मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी सकता हूँ कि अपने पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो है ये बेसिकली में क्या बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -1 बन गई है. और ये हमें कितना गिवन है 0.2 गिवन है, कितना गिवन है 0.2. और जो अगली ट्रांसमिटेड बिट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू में 1, तो 1 तो अपने पास इस बार सेम है तो ये हमें कितना गिवन है 0.8 हमें गिवन है. तो आपको हमने बताया था जब कभी भी आप बिट को ट्रांसमिट करते हो ना किसी भी चैनल से आप ट्रांसमिट करो तो आपके पास जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी ना वो आपके पास कितनी आती है 1 आती है. अगर आप ध्यान से देखें तो 0.2 प्लस में 0.8 ये आपके पास कितना गया 1, मतलब ये सही है. लेकिन एक बात ध्यान रखना दोनों का सम तो 1 है लेकिन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या है अनइक्वल है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो दोनों बिट आपने ट्रांसमिट किए हैं बोथ आर हैविंग अनइक्वल प्रोबेबिलिटी, अनइक्वल प्रोबेबिलिटी. अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे हमें क्या एडवांटेज मिलेगी, ठीक है. मैंने यहाँ पे लिखा है इसका यूज होगा कहीं पे, तो कहाँ पे यूज होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जो है. अब वो कह रहा है द इनपुट टू ए थ्रेशोल्ड डिटेक्टर इज दिस, तो हमारे पास जो इनपुट होगी थ्रेशोल्ड डिटेक्टर पे वो इतनी होगी जो है, ठीक है. और एन हमारे पास क्या नॉइस है. तो मुझे एक बात का जवाब दो, अगर मैं यहाँ पे नॉइस को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो नॉइस हमारे पास क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, नॉइस हमारे पास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड -2 से +2 के बीच में. तो अगर मैं यहाँ पे नॉइस की पीडीएफ को अपलोड करना चाहूँ किसकी नॉइस की पीडीएफ को, तो ये आएगी -2 से -2 तक. अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब आप विड्थ को हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए. तो अगर आपके पास ये 4 है तो ये हाइट आपके पास कितनी हो जाएगी 1/4. तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ रो एन ऑफ एन के साथ, तो ये आपके पास स्मॉल एन आपके पास आ गया, ये आपके पास नॉइस है. अच्छा अब उसने देखो अब इस क्वेश्चन में गेम पता क्या, इस क्वेश्चन में गेम ये है कि उसने दो चीजें दे दी, क्या द इनपुट टू ए थ्रेशोल्ड डिटेक्टर, मतलब इनपुट जो होगी ना थ्रेशोल्ड डिटेक्टर पे वो आपके पास ये होगी और ये आपके पास आउटपुट. लेकिन उसने ये नहीं बताया कि आपके पास जो थ्रेशोल्ड होगी वो आपके पास क्या होगी. लास्ट ईयर गेट 2018 में जो क्वेश्चन आया था ना उसमें थ्रेशोल्ड 0 गिवन थी, अगर आपको याद हो ना वो ट्रायंगल की फॉर्म में बना हुआ था तो थ्रेशोल्ड 0 थी तो क्वेश्चन को करने में आसानी होती थी. तो इस बार भी घबराने की जरूरत नहीं है, इस बार भी क्वेश्चन काफी आसान है. तो इस बार हमें ना थ्रेशोल्ड निकालनी पड़ेगी. अब वो थ्रेशोल्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले काम करते हैं ना. अब जब मैंने x इज इक्वल टू -1 वाली बिट को जब ट्रांसमिट किया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो मुझे गिवन है. अब ये रिसीव भी तो हुई होगी, अगर कोई बिट ट्रांसमिट होती है तो वो बिट रिसीव भी हुई होगी. तो जब वो बिट रिसीव हुई उसकी मैं क्या करूँगा पीडीएफ यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ पीडीएफ ड्रॉ. अब पीडीएफ की हमें क्या जरूरत पड़ेगी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. तो मुझे बताओ यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब मैंने x इज इक्वल टू मतलब -1 को ट्रांसमिट किया, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमें कितनी गिवन है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.2. तो जब मैंने -1 को ट्रांसमिट किया ना इसकी मैं पीडीएफ बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ पीडीएफ.
अब पीडीएफ आपको कैसे बनेगी? अब पीडीएफ तो हम रिसीविंग साइड पे बना रहे हैं ना, तो रिसीविंग साइड पे सिग्नल के साथ साथ आपके पास क्या नॉइस भी तो आ रही है, तो मुझे एक बात का जवाब दो। तो आपके पास जो इनपुट है थ्रेशोल्ड जनरेटर पे, वो आपके पास क्या है? वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एन है, ठीक है? तो ये -1 के लिए भी बना लेंगे हम यहाँ पे, और किसके लिए बना लेंगे हम यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए भी बना लेंगे, दोनों के लिए हम पीडीएफ बना लेंगे दोनों के लिए। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज वाई इज इक्वल टू में एक्स प्लस एन आपके पास है। तो अब हम रिसीविंग साइड की बात करें, तो मुझे एक बात का जवाब दो, ये आपके पास जो वाई है ये आपके पास क्या होगा? ये मिनिमम भी होगा और ये आपके पास क्या आएगा, ये मैक्सिमम भी आपके पास आएगा, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे भी जो पीडीएफ होगी उसकी मिनिमम रेंज भी आपके पास आएगी और उसकी मैक्सिमम रेंज भी आपके पास आएगी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो फिक्स है -1 -1, और यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू क्या है, फिक्स है +1, ये 1 और 1। जब आपको पीडीएफ की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो नॉइस की जो पीडीएफ है ना इसकी मिनिमम लेंगे, तो मिनिमम कितना है -2, मैक्सिमम ले रहे हो तो इसकी मैक्सिमम हम यहाँ पे लेंगे ये +2, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, -3 से +1। सेम यहाँ पे जब मिनिमम ले रहे हो तो इसकी मिनिमम लो नॉइस की पीडीएफ की, ये -2 कितना आ गया -1, और ये आपके पास कितना आ जाएगा बोलो, ये आपके पास हो जाएगा +2, तो ये आपके पास कितना आ गया, 3 आपके पास आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे पीडीएफ को प्लॉट कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी पीडीएफ को प्लॉट करूँ तो -3 से 1, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ये हो गया -3, ये हो गया 1, और ये अपने पास सेम रहेगा 1/4 जो है, ठीक है। और इसके अगर मैं पीडीएफ ड्रॉ करता हूँ रिसीविंग साइड पे, जो हमें बिट मिली है -1 से 3, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 3, और ये अपने पास क्या रहेगा, 1/4 अपने पास रहेगा। तो आई होप यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। तो हुआ क्या कि जब हमने -1 को ट्रांसमिट किया था प्रोबेबिलिटी थी 0.2, जब हमने 1 को ट्रांसमिट किया प्रोबेबिलिटी थी 0.8। अब ये जब रिसीव हुई है तो रिसीव ये कब हुई है, जब सिग्नल के साथ नॉइस ऐड हो गया, तो मैंने उसकी पीडीएफ बना ली -1 वाले की, और जब 1 के ट्रांसमिट हुआ उसके लिए मैंने यहाँ पे पीडीएफ बना ली। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे डिसीजन बाउंड्री मुझे पता करनी है। अब देखो गेट में, अब 2019 में तो क्वेश्चन आ गया, अगर मान लो 2020 में या आने वाले साल में इसी टाइप का क्वेश्चन हो, अगर वो आपसे पूछे कि डिसीजन बाउंड्री आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा था, मैंने वो कहा था कि जब आप 2 बिट को ट्रांसमिट कर रहे हो, जब आप 2 बिट को ट्रांसमिट कर रहे हो, जब आप 2 बिट को ट्रांसमिट कर रहे हो, जब आप 2 बिट को ट्रांसमिट कर रहे हो और दोनों की प्रोबेबिलिटी अनइक्वल है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, अनइक्वल है, तो आपके पास जो डिसीजन बाउंड्री होगी, ये जो थ्रेशोल्ड आपके पास होगी, वो बेसिकली में क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। आई होप ये लाइन आपको समझ में आई होगी, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको मैंने नहीं पढ़ाया, शायद वो इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ। जब आप 2 बिट को ट्रांसमिट करोगे जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है और आपको डिसीजन बाउंड्री पता करनी है, तो जो डिसीजन बाउंड्री होती है वो बेसिकली में क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। तो अगर मैं इन दोनों को इंटरसेक्ट करूंगा तो जो डिसीजन बाउंड्री हमारे पास है वो -1 से लेके कहाँ तक आएगी, 1 तक आएगी। तो आपका जो इंटरसेक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -1 से ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड होगी, थ्रेशोल्ड हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी -1। तो यहाँ पे मैंने पता कर लिया कि हमारे पास जो थ्रेशोल्ड है, ठीक है, हमारे पास जो थ्रेशोल्ड है वो हमारे पास कितनी आई, -1। अभी कैसे पता चला, ये पता चला इंटरसेक्शन से, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। मैं यहाँ पे प्लॉट भी कर देता हूँ, सो डू नॉट वरी अबाउट दिस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले वाला आपके पास क्या है, -3 से 1 है, तो ये है आपके पास -3 से 1, इसकी पीडीएफ। अगले वाले की -1 से 3, ठीक है, सो नेक्स्ट वाले की आपके पास है -1 से लेके 3 जो है। तो देखो इनमें जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो -1 से 1 तक आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये मैंने हाइट छोटी और ये बड़ी क्यों लिखी, ये भी मैं आपको बता दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट दिस, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर अलग अलग है ना, तो ये हाइट भी आपके पास अलग अलग आएगी। तो जो आपके पास इंटरसेक्शन है वो -1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर वो डिसीजन बाउंड्री पूछ ले, पूरी रेंज आपसे पूछे, तो वो आप -1 से 1 तक बता सकते हैं। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि भाई -1 मेरी डिसीजन बाउंड्री है, ठीक है, अब यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब ध्यान सुनना मेरी बात, ये पीडीएफ कब है, जब हमने 1 को ट्रांसमिट किया, ठीक है, जब हमने 1 को ट्रांसमिट किया तो रिसीविंग साइड पे ये पीडीएफ मिली है। अब मुझे पता करना है कि जब मैं 1 को ट्रांसमिट कर रहा हूं तो क्या कोई एरर आ रही है, नहीं आ रही है, तो मुझे तो एरर कब आती है, आपको हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था, जैसे मान लो हमारे पास ये एक पल्स है, इसका एम्पलीट्यूड ये 0 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, और हमारे पास जो थ्रेशोल्ड है वो हमारे पास कितना है, 2.5 वोल्ट है, ठीक है, कितना है, 2.5 वोल्ट है। अब देखो अगर
थ्रेशोल्ड जो है, अगर आपका सिग्नल जो है वो थ्रेशोल्ड से नीचे रहेगा तो जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, इससे ऊपर होगा तो वन को, और इससे नीचे होगा तो जीरो को। अब ये थ्रेशोल्ड से नीचे है तो क्या मिलेगा आपको, जीरो। थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो वन, थ्रेशोल्ड से नीचे है तो क्या मिलेगा, जीरो। आई होप ये सबको पता होगा, पीसी में मैंने आपको पढ़ा था, तो उसी का मैं एक रेफरेंस लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ ये वन की पीडीएफ है, जब वन रिसीव हुआ है उसकी पीडीएफ है, तो मुझे बताओ अब एरर कब आएगा। एरर तभी तो आएगा जब थ्रेशोल्ड से पहले कोई वैल्यू होगी। तो मुझे बताओ ये थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड से पहले आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप वन को ट्रांसमिट करोगे ना तो वो वन ही ट्रांसमिट होगा, मतलब जीरो ट्रांसमिट नहीं होगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ वन ये आपके पास कितनी होगी, जीरो होगी, ठीक है। और जीरो किसी से मल्टीप्लाई करोगे वो आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ वन आपको गिवन है कितना, 0.8, लेकिन उसको यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ वन है वो आपके पास जीरो आ गई। क्यों, क्योंकि थ्रेशोल्ड से माइनस वन, तो मैंने चेक किया कि भाई जब मैं माइनस वन ट्रांसमिट कर रहा हूँ, सॉरी जब मैं प्लस वन ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो क्या वहाँ पे जीरो कहने के चांसेस है, वहाँ पे जीरो कहने के चांसेस नहीं है क्योंकि कोई पीडीएफ है ही नहीं, तो इसका मतलब ट्रांसमिट ही नहीं होगी जब पीडीएफ नहीं है। तो अब जब मैं माइनस वन ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो माइनस वन ट्रांसमिट कर रहे हैं तो देखते हैं कि वन आने के चांसेस है या नहीं है, तो आपके पास माइनस वन यहाँ कहीं होगा। तो देखो माइनस वन के बाद अब यहाँ पे आपके पास है ना एरिया आ रहा है ना, एक रीजन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे एरर आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो का मतलब क्या है, माइनस वन की जो प्रोबेबिलिटी थी वो आपके पास कितनी थी, 0.2। 0.2 का मतलब कितना होता है बोलो, 2/10 में लिख सकता हूँ, ठीक है। 0.2 का मतलब हो गया 2/10। अब यहाँ पे जो आपके पास जो एरर रीजन आ रहा है वो आपके पास क्या रहा है, विड्थ इंटू में हाइट, तो आपके पास विड्थ कितनी है बोलो, विड्थ है 2 और हाइट आपके पास कितनी है, 1/4 आपके पास है, 2 to 4 होते हैं, 4 से 4 गया, तो ये आपके पास कितना गया, 1/10, तो ये आपके पास कितना गया, 0.1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास कितना है, 0.1 हमारे पास है।